नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो आपके लिए, अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए या नए हो, वीडियो देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। जो कि 7 बिग अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, जो कि ग्रुप सी मेंस का इनका फॉर्म कैंसिल हुआ है या नहीं, पूरी अपडेट। ब्रेकिंग सीटी ग्रुप सी मेंस का जो 2216 पदों पर रोक थी, उनका पेपर नहीं होगा या होगा, पूरी डिटेल देंगे। ग्रुप सी डी का जो फॉर्म डेट धमाका है उसकी, और हरियाणा पुलिस भर्ती की नई भर्ती की पूरी अपडेट, ठीक है, पूरी अपडेट देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। जो कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये देख सकते हो पूरी अपडेट। भर्ती के लिए युवाओं ने भर दिए 1 से अधिक फॉर्म, अंतिम आवेदन को छोड़ सभी होंगे रद्द। जो कि पहले कईयों ने ऐसे किया है, 3-3, 4-4 फॉर्म भर दिए, तो उस कारण ये फॉर्म उनके कैंसिल हो जाएंगे। एचएसएससी के चेयरमैन बोले, हाई कोर्ट से गलत मंशा से दाखिल केसों को स्वीकार नहीं करने का किया गया था अनुरोध, ठीक है जी। और 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया ग्रुप डी के लिए और सी के लिए, दोनों के लिए। भर्ती के लिए जोर शोर से चल रही प्रक्रिया के बीच उन युवाओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परेशानी बढ़ा दी है, जिन्होंने 1 से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं। अब आयोग ऐसे युवाओं का अंतिम आवेदन ही मान्य करेगा, जबकि पूर्व में किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि अगले 6 महीने में तृतीय और चतुर्थीय यानी कि ग्रुप सी और डी के 60,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो ग्रुप सी के पदों के लिए पास कर चुके युवाओं को 20 जून से 31 जुलाई के बीच में स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सितंबर में सीटी आयोजित किए करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है जी। जो कि आपको बता दें, ग्रुप सी 12वीं बेस पर है और ग्रुप डी है 10वीं बेस पर योग्यता पर, ठीक है। ये इन्होंने आवेदक के जो द्वारा सिर्फ आखिरी जो फॉर्म भरा है उसको स्वीकार करना है, उसके पहले जो भरे हुए सारे के सारे फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे बच्चों के, जो कि कईयों ने 4-4 बार फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो उस चक्कर में जो फाइनल लास्ट फॉर्म होगा उसको फाइनल माना जाएगा। ग्रुप सी डी पद ग्रुप के लिए पदों के लिए 10 लाख युवाओं ने किया था आवेदन, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जो आपको दिखा दें, तो इस सप्ताह से होगा, खुलेगा ग्रुप डी के लिए पोर्टल। 10वीं पास युवा कर सकेंगे आवेदन ग्रुप में, प्रदेश में ग्रुप डी के लिए अगस्त या सितंबर में सीटी होगा, लेकिन इससे पहले हाल ही में पास 10वीं 12वीं के युवाओं को भी मिलेगा इसमें मौका, ठीक है। कमिश्नर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इसी सप्ताह में पोर्टल को एक बार फिर से खोला जाएगा, ताकि इच्छुक युवा भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसके अलावा उन युवाओं को भी राहत दी जाएगी जिनके रजिस्ट्रेशन में पहले कोई दिक्कत रह गई, उन्होंने गलती सुधारने का मौका भी उनको दिया जाएगा, ठीक है जी। और एक और अपडेट है, जो कि 2.25 लाख साल से आखिर सरकारी भर्तियां क्यों नहीं हो पाई, ये सारे मसले हैं जी, वो आपको पता ही है। तो करीबन एचएसएससी लगभग 60,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करने का लक्ष्य ले चुका है, तो एचपीएससी भी लगभग 9,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरा करना चाहता है, मगर 2.25 साल से प्रक्रिया नहीं हुई, जो कि कैंडिडेट ओवर एज भी हो चुके हैं, जैसे कि पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव जैसे पदों पर युवाओं ने तैयारी कर रखी थी, मगर पद वापिस ले लिए गए। ये सारा कह लें तो जो कि अलग अलग संस्थाओं का काम है, जो कि अलग अलग सरकारों का काम है, इसलिए इन्होंने इस चक्कर में जो ग्रुप सी का
पद नाम घोषित कर सीटी आयोजित करवाया था, मगर सीटी के बाद 2216 पदों के कुछ कैटेगरी के पद नाम बाद में विज्ञापित कर आवेदन मांग लिए गए। ठीक है जी, तो कुछ ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी भी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस भर्ती रूल्स में यह बदलाव करना है कि सीटी के आधार पर भर्ती होगी, साथ में यह तय भी करना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले पीएसटी पीएमटी भी लेना होगा, क्योंकि पहले पीएसटी पीएमटी होगा तो पुलिस भर्ती होगी, बट अभी तक जो रूल्स हैं पुलिस के वो अभी तक संशोधित नहीं हो पाए जी। पुलिस भर्ती के लिए जो रूल्स संशोधित करने थे 5000 सिपाही पदों के लिए, 1000 महिला पदों के लिए, वो अभी तक संशोधित नहीं हुए। अभी संशोधित होंगे, कब तक होंगे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट उसके बाद ही सीटी के हिसाब से पहले कंफर्मेशन होगी, फिर आपका पीएसटी पीएमटी होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। तो आप समझ सकते हो भी जून में कह रहे हैं तो फिर भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इसके साथ पहले सीटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हरियाणा वासियों को देने का फैसला लिया गया, मगर हरियाणा वासी शब्द को हटा दिया गया, इससे भी प्रक्रिया रुकी है। बहुत आपको पता है ये करीबन 6 महीने हो गए जी सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया सामाजिक आर्थिक मानदंड के मसले को चलते हुए, तो 2.25 साल हो चुके हैं भर्तियां पेंडिंग पड़ी में। ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बहुत अब बड़ी लेके आए, आपके साथ शेयर की है कि इसी सप्ताह ग्रुप डी की भर्तियों के लिए आवेदन ओपन किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए, बिग नॉलेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।